उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहां बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी अपने ही अधिकारियों से परेशान हो गए हैं। शिकरने के बाद भी जिला अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, यहां तक कि वो इस बात की शिकायत बार बार योगी सरकार से कर चुके हैं, इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बता दें कि विधायक ने अतिक्रमण को लेकर शिकायत जिला अधिकारी से की थी, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पूर्व भी बुलंदशहर में गंगा नदी किनारे एनजीटी की धज्जियां उड़ रही थी, गंगा का पुल ढह गया था, लेकिन ये सब मामले दबा दिए गए। अब उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद बुलंदशहर में काली नदी पर अवैध कब्जे को लेकर के माननीय विधायक सदर श्री प्रदीप चौधरी द्वारा एक पत्र लिखा गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि काली नदी हापुड़ से प्रवेश करके पूरे जनपद से होते हुए अलीगढ़ को प्रवेश करती है और शहर के बीचों बीच बुलंदशहर से निकलती है। बुलंदशहर के डाउन स्ट्रीम में यानी अलीगढ़ की तरफ से कुछ गांव में मिट्टी भरे होने के कारण उसमें अवरोध हुआ था और गांव में जल जमाव होता था। पिछले साल सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से जेसीबी और पॉकलाइन लगा करके पूरी मिट्टी की ड्रेजिंग करा दी गई थी और ये कार्य माननीय विधायक जी द्वारा ही शुरू किया गया था और इसके कारण इधर कोई किसी भी गाँव में ना तो जल जमाव होता ना बाढ़ आती है और उसके किनारे किनारे प्लांटेशन भी हम लोगों ने कराया हुआ है। जहाँ तक शहर में जो माननीय विधायक जी ने अवैध कब्जे की बात कही है उसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व की अध्यक्षता में एक टीम गठित की हुई है जिसमें उप जिलाधिकारी सदर, एक्सीएन इरिगेशन, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, ईओ नगर पालिका आदि शामिल हैं।